नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एके न्यूज। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में मोदी जी कह रहे हैं मित्रों 65 करोड़ युवाओं का देश है, 40 साल बाद क्या होगा जब ये 100 करोड़ बूढ़ों का देश हो जाएगा, क्या वो फैसिलिटी है? मुझे भी बुढ़ापा आ गया, जनता से ये पूछ लेते हैं क्या होगा। आइए, मोदी जी ये कह रहे हैं 64 करोड़ युवाओं का देश है जी, 40 साल बाद क्या होगा जब ये 100 करोड़ बूढ़ों का देश हो जाएगा, तो जो युवा बुढ़ापा आ गया आपके पास, देखो मेरे तो आ गया, फ्रंट में ये व्हाइट और मूछे भी व्हाइट, दाढ़ी भी व्हाइट, आगे भी तो तब क्या होगा, क्या होगा आगे भी तो बच्चे पैदा होंगे, आगे तो होंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। अभी जो युवा है 64 करोड़, कल को 100 करोड़ बूढ़े हो जाएंगे ना वो जी जी, तब क्या होगा, कौन उठा के ले जाएगा ना हॉस्पिटल भी, हॉस्पिटल नहीं है इतने ना, हॉस्पिटल तो है क्या नहीं, 100 करोड़ आदमियों के लिए हॉस्पिटल है यहाँ, अरे 100 करोड़ के लिए नहीं है तो 100 करोड़ एक साथ तो बीमार नहीं हो जाएंगे, जब बूढ़े होंगे तो कुछ तो बीमारी आएगी, तो भाई उनका इंतजाम किया जाएगा, क्या करोगे इंतजाम है, गोली मारोगे बंदूक से, गोली क्यों, फिर अभी देश का विकास मोदी जी कर तो रहे, विकास कर रहे जी, अपना विकास अपना साथ, नहीं नहीं ये मोदी जी के लिए कोई नहीं कह सकता, नहीं हम तो अपने लिए कह रहे हैं अपना साथ अपना विकास, क्यों भाई आप अपना विकास साथ देखोगे अपना विकास कर लोगे, और किसी नेता के लिए कुछ भी कहो, योगी और मोदी, मेरी बात सुनो, आप अपना साथ और अपना विकास कर लोगे देश का विकास हो जाएगा, ना वो तो है, लेकिन वो तो है जो मोदी जी की आप बात करते हैं वो नहीं, मोदी जी योगी जी नहीं, क्या होगा फिर जब 100 करोड़ बूढ़े हो जाएंगे, 100 करोड़ बूढ़े होंगे तो पैदा भी तो होंगे, 50 करोड़ ब्रेक तो नहीं लग गया, ब्रेक नहीं लगेगा तो 50 करोड़ शायद उस वक्त जवान होंगे, इतना ही तो होगा, लेकिन आज 40 करोड़ बूढ़े हैं, कल को 100 करोड़ बूढ़े हो जाएंगे, मरेंगे नहीं, मरेंगे बुढ़ापे के बाद कौन मरेंगे, तुम पहले मार दो, जैसे चल रहा है जनरेशन, चाचा तुम नहीं मान रहे, घट रहे, नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है, 64 करोड़ युवाओं का देश है, 40 साल बाद ये 100 करोड़ बूढ़ों का देश हो जाएगा, तब कुछ है उनका विजन, आज तो बोल रहे हैं 64 करोड़ युवाओं का देश है, तो क्या बच्चे नहीं पैदा होंगे क्या भैया, आज बुढ़ापा है, बूढ़े आदमी 25% है, कल को 75% हो जाएंगे, बच्चे तो होंगे, आज तो यंग होंगे ना फिर यार, आज 25 करोड़ बूढ़े हैं देश में, 40 साल बाद 100 करोड़ बूढ़े होंगे, जैसे जापान बूढ़ों का देश हो गया है, उनके लिए कोई हॉस्पिटल भी है, क्या हो गया, गर्लफ्रेंड का फोन आ गया क्या बीच में, गर्लफ्रेंड का कहाँ फोन आया, मुझे तो आप ही बूढ़े लग रहे हो, जवानी से सीधा शॉर्टकट मार दिया बुढ़ापा, बचपन से शॉर्टकट बुढ़ापा, मुझे भी ऊपर नीचे हो रही है, कोई इधर जा रही है, ऐसी हो जाता है भाई, नहीं काम धंधे में तो जाता है, ये जो नाक के बाल मूछों में लग रहे हैं जाके, ये तो गलत है, नो कमेंट सर, नो कमेंट, ये तो अनवरत चलने वाला प्रोसेस है, अभी 25 करोड़ बूढ़े हैं देश में, 65 करोड़ जवान है, हाँ, लेकिन कल को बुढ़ापा 100 करोड़ में बदल जाएगा, नहीं ये तो ये तो चलते रहता है, चलने वाला प्रोसेस है, इतना आपके पास आंकड़ा कैसे है कि 100 करोड़ हो जाएगा, क्या जो आज 64 करोड़ जवान है, नहीं तो बच्चे भी आज देखिए 1 जनवरी को 76,000 बच्चे पैदा हुए हैं, 25 साल बाद वो भी तो जवान होंगे, हर दिन बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये तो सीक्वेंस है, चलते रहता है, आज अगर बुढ़ापा है तो 25 करोड़ लोग बूढ़े हैं आज, हाँ, जो हैं, हाँ, 65 करोड़ जवान है, हाँ, आज तो 100 करोड़ नहीं है, क्या आज तो 100 करोड़ बूढ़े नहीं है, नहीं इतना एग्जैक्ट आंकड़ा आपके पास कहाँ से आया, कौन से जनगणना, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक जनगणना के अनुसार, नहीं अभी भारत की आबादी तो 130 करोड़ है, बिल्कुल 64 करोड़ जवान है, जवान का आपका डेफिनेशन कितना है, 25 से 35 साल का, तो ये तो हमेशा कोई ना कोई उसमें जैसे जनगणना बढ़ रही है वैसे तो रहेगा ही रहेगा, आज 25 करोड़ है कल को 100 करोड़ बूढ़े हो जाएंगे, हमारा कहना नहीं है, इतना ऐसा नहीं है, आबादी एक साथ जब सुनो, अगर एक दिन आज के टाइम में एक दिन में मैं बात कह रहा हूँ कि अगर कोई 25 करोड़ पैदा हुआ है सर 40 करोड़ पैदा हुआ तो एक दिन में कोई 70 साल में एज होगा, ये तो कंटिन्यूअस है, हर एज ग्रुप में लोग फॉल हो रहे हैं, तो इतना एक साथ नहीं होगा, मोटी मोटी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो, आज अगर 25 करोड़ बूढ़े हैं नहीं तो अचानक से 40 साल बाद आपने ये जैसा नहीं होगा ना कि 2 आम का दाम 10 रुपए है तो 4 आम का दाम 40 रुपए होगा, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ये वाला नहीं होता ना, आम के आम गुठलियों के दाम है, ये हिसाब इसमें नहीं काम करता है, कर रहा है भैया कर रहा है, क्या पता है क्या होगा, आंख तो साफ करके आ जाते हैं, तुम कैमरे के आगे कैमरा फट जाएगा फिर बेकार है, हैं तुम्हें यार साफ सफाई करके तो आया करो, फिर क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, मुझे तुम पहले ऐसा लग रहे हो कि बचपन आया और सीधा शॉर्टकट तुम पे बुढ़ापा ही आया सीधा, सही बात है, जवानी कहाँ गई पता नहीं कहाँ गई, ये बाल फर्जी कलर कर रखे हैं लग रहा है, हाँ क्या होगा, तुम तो पहले बूढ़े हो गए।